अमोद जी, सवाल यहां पर यह है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी ये चुनाव बहुत बड़ा अहम है? कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, मेहनत की है, ये हम सब ने देखा है। और क्या जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर अपने आप को खड़ा किया है बंगाल में, क्या कैलाश विजयवर्गीय के लिए ये एक बहुत कह सकते हैं टर्निंग टाइम होगा उनके करियर के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे हालांकि बीजेपी में ऐसी परंपरा नहीं है कि आप कहीं के अगर प्रभारी बनाए गए हैं और वहाँ राज्य अगर जीत भी जाते हैं तो आपको बहुत रातों रात आपको स्टार बना दिया जाता है, ऐसा कोई वहाँ होता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कैलाश विजयवर्गीय का कद पहले से भी जो मजबूत है वो और मजबूत हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि लगातार बंगाल में जिस तरह से जाकर वो एक तरह से बस गए हैं। यद्यपि वो पिछले 6-7 महीनों से कहीं टस से मस भी नहीं हुए हैं और 2 साल से लगातार वो लगे हैं जब से उनको ये काम दिया गया है, तो निश्चित तौर पे उनका जो मध्य प्रदेश की राजनीति से एक तरह से बहिर्गमन हुआ था और दिल्ली की केंद्रीय राजनीति में वो अपना स्थान उतने ढंग से बना नहीं पाए थे, तो कम से कम ये होगा कि वो एक एस्टेब्लिश राष्ट्रीय नेता के तौर पर अगर चुनावी नतीजों में, एग्जिट पोल्स में कुछ बदलाव होता है तो, और नहीं होता है तो जहां तक बीजेपी सिमटती है तो कैलाश विजयवर्गीय के करियर पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।